Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic Indian economy at the time of independence, and the subtopic is agriculture sector on the eve of independence. जैसे previous class में हम पढ़ चुके हैं कि Indian economy की condition क्या थी, उसमें सभी कुछ आ जाता है, agriculture sector, industrial and tertiary sector. But अब हम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इसमें देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर पर उस समय हमारे देश में 72.7% पॉपुलेशन वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी दिस वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स. तो इसमें देखो, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन क्या शो करता है? प्रोडक्शन शोज द टोटल आउटपुट ऑफ द फार्मर, यानी फार्मर्स के द्वारा कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है. एंड द प्रोडक्टिविटी शोज कि पर हेक्टेयर आउटपुट, यानी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी इट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. इसका रेशो होता है यानी हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, यानी जो इनपुट्स, जो लागत हम लगाते हैं, उससे कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है. सो दिस वाज लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 तक हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी लो थी, बिकॉज द फार्मर अप्लाई द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. यानी जिसके कारण इफ द प्रोडक्टिविटी इज लो देन प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो, क्योंकि इनपुट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो इट मीन्स आउटपुट भी कम होगा. तो इसमें से प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण एज ए प्रोडक्शन भी कम होता था. तो उस समय देखें 1947 में हमारे देश में वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर पर केजी केवल 660 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होता था, जबकि एट प्रेजेंट अगर हम देखें 2016-17 के डाटा 3216 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो ये किसके कारण है? क्योंकि उस समय प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, जिसके कारण प्रोडक्शन भी पर हेक्टेयर कम प्रोड्यूस हो पाता था. नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं पाई जाती थी फार्मिंग में. कैसे? बिकॉज ऑल ऑफ द फार्मर्स इन इंडियन इकोनॉमी दीज वर डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, नेचर पर डिपेंड करते थे, वर्षा पर निर्भर करते थे. एंड गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्ट एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड हार्वेस्ट. क्योंकि उस समय अगर फसल अच्छी होती, क्यों होती? अगर वर्षा बहुत अच्छी हो जाती थी, और अगर वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ जाता, तो सारी फसल बर्बाद हो जाती थी, बिकॉज देर वर नो इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू द फार्मर. क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार की सिंचाई सुविधाएँ किसानों के पास अवेलेबल नहीं थी. नेक्स्ट चीज, तो ये भी इसके मेन रीज़न है जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो पाता था, क्योंकि मोस्टली जो फार्मर है वो रेनफॉल पर डिपेंड. देन डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? यानी जिसमें प्रोडक्शन प्रोड्यूस ओनली फॉर देयर फैमिली नीड्स, फैमिली कंजप्शन. यानी जिसमें जो क्रॉप है, जो फसल है, वो केवल इतनी प्रोड्यूस की जाती थी विच आर सफिशियंट फॉर द फैमिली नीड्स या फैमिली कंजप्शन, यानी जो उसके परिवार के लिए एक साल के लिए पर्याप्त होती है. केवल फार्मर उतना ही प्रोड्यूस करता था, यानी इसमें मार्केटेबल सरप्लस नहीं पाया जाता, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अप्लाई करते थे. तो इसके कारण यानी मोस्टली किसान इस चीज़ के लिए इंस्पायर नहीं होते थे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड सिचुएशन या स्टैग्नेंट इकोनॉमी का एक मेन रीज़न ये भी था. नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सोइल्स एंड टीलर्स ऑफ द सोइल्स. जो ओनर्स ऑफ द सोइल्स थे, यानी जमीन के जो मालिक थे, वो जमींदार थे. जमींदार, साहूकार, मनी लैंडर्स वगैरह ये होते थे. यानी क्योंकि वो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण ज़्यादातर जमीन उनके पास चली जाती थी. सो देर इज ए गल्फ बिटवीन द, देर इज ए वैज बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सोइल्स एंड टीलर्स ऑफ द सोइल. उनके बीच गहरी खाई थी. यानी जो ओनर्स है, दे वर इंटरेस्टेड ओनली टू इंक्रीज देयर रेंटल वैल्यू या शेयर, क्रॉप जो शेयर था, यानी प्रोडक्शन का जो शेयर था, उसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड थे. दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी वो अपने खेत में प्रोडक्शन बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि वो केवल इतने इंटरेस्टेड थे
कि जो टीलर्स जो बंधुआ मजदूर वगैरह जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर उनको प्राप्त हो जाए, और टीलर्स को केवल इतना प्रोवाइड किया जाता था विच वॉज सफिशियंट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन, और केवल उनको उतना ही दिया जाता था जो उनकी फैमिली कंजप्शन के लिए सफिशियंट, यानी वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो कैसे फसल उगाता है कैसे प्रोडक्शन करता है, वो केवल इसमें इंटरेस्टेड थे कि जब फसल तैयार हो जाती थी तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका शेयर अपने पास रखते थे, राइट। और सारा खर्चा कौन उठाता था? टीलर्स जो बंधुआ मजदूर थे उनके द्वारा उठाया जाता था। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस का एक मेन रीज़न था कि जो ओनर्स था वो इंटरेस्टेड नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स एंड दिस वॉज ऑल्सो द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट द लैंड विच वॉज वेरी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड स्कैटर्ड इन पीस, यानी छोटे छोटे खेत होते थे और जो काफ़ी टुकड़ों में बटे हुए होते थे, यानी जिसके कारण जो किसान है वो प्रॉपर खेती नहीं कर पाता। जैसे एक किसान है उसके खेत काफ़ी अधिक टुकड़ों में बटे हुए हैं तो क्या वो प्रॉपर खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसे बार बार दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, ना ही कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकता है। तो ये भी एक मेन रीज़न था जिसके कारण द फार्मर कैन नॉट कुड नॉट प्रोड्यूस द प्रॉपर प्रोडक्शन। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, बाद में जिसने कंसोलिडेशन पॉलिसी अप्लाई हुई, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, यानी देर वर द ट्रेंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोयल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टीलर्स ऑफ द सोयल्स, यानी तीनों के बीच त्रिकोणीय संबंध पाया जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे हैड टू पे द सम अमाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप ये देखो, क्योंकि ओनर्स होते थे वो जमींदार होते थे, तो जमींदारों को अपनी इनकम का कुछ भाग यानी लैंड रिवेन्यू के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, और वो वसूल किससे करते थे? टीलर से वसूल करते थे, क्योंकि वो मैक्सिमम शेयर उनसे लेते थे और उसी में से कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे ताकि लैंड रिवेन्यू यानी टैक्स के रूप में उनको पे किया जा सके। तो इस तरह से इसका मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो टीलर्स थे उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में दे वर एक्सप्लॉइटेड बाई द जमींदार या ओनर्स ऑफ द सोयल्स, यानी उनका बहुत भारी मात्रा में शोषण किया जाता था ओनर्स के द्वारा या जमींदारों के द्वारा, जिसके कारण वो फसल उगाते थे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते थे लेकिन उसका मैक्सिमम शेयर एज ए जमींदारों के पास चला जाता था, और वहाँ से वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड नहीं हो सका था। सो दीज वर द मेन रीज़न ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये मेन रीज़न थे जिसके कारण हमारे देश में 1947 तक एग्रीकल्चर सेक्टर मेन ऑक्यूपेशन होने के बावजूद भी एज ए बैकवर्ड सिचुएशन में ही रहा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.